आज आप इतना आपने इंतजार फरमाया, इसकी कोई कीमत नहीं, तवज्जो, आपके इन सांसों की कोई कीमत नहीं, आपके इस वक्त की कोई कीमत नहीं जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए आपने गुजारा। आपके चेहरों पर भी खुशी है, हमारे चेहरों पर भी है। पेशवाए अहले सुन्नत इतने बीमार होने के बावजूद आपने तफसीली खिताब फरमाया, ये हमारे चमकते हुए उलमा मशायख खुतबा, आप भी हुजूर के गुलाम, हाँ ये पैसों से नहीं लाए गए। मैं कहे बाल और दस होए और तवज्जो जिन्हां दी हुकूमत होवे और पिंडी और मुमताज कादरी की जाली तस्वीर ला के कमन सन नाल बंदे असी ते ओदे वारे सांसा दा कोई नहीं लाई जाली तस्वीर। ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮਸਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਮਖਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚਕਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘੋੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। मैंने हाथ कभी खड़े नहीं कराए, दिल माने तो जरूर करना है। अब 25-2018 में सिर्फ हुजूर के दीन के लिए है। देखो कौन आया, न बल्ला आया, न तीर आया, न शेर आया, न गिद्दड़ आया, न लूमड़ आया, कौन आया? मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो कौन आया, जोर लगा कर बताए इन बदमाशों को। कहते नून जी कोई भी नहीं, सब कायनात में मेरे आका मौला जमीनों किसी का गढ़ कोई नहीं, ये सारे लानती है जिन्होंने हुजूर की नामूस पर गद्दारी की और खत्मे नबूवत पर, अब किसी का कोई गढ़ नहीं, अब सारी पहले भी सारी कायनात मेरे आका मौला की है। जमीनों जमाओ मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां दहन में जुबा बदन में हजा, हम आए यहां उठे भी वहां, अब कोई नहीं आया। देखो कौन आया। मैं कहा इकबाल अद्धी राती बंदे खड़े रोटी बगैर ये दासे की बढ़िया, कहते तेरी निगाह नासे दोनों मुराद, तेरी निगाह नासे दोनों मुराद बागे, तेरी निगाह नासे दोनों मुराद। लोग दुकानों तो फुल खत्म कर देते, लाहौर तो चल दिया, इतने फुल पाए नौजवान बच्चे अजय जनाब मस फुट रही थी, वो भी जनाब किलो किलोमीटर नसते रहे, असी जबरदस्ती उन्होंने क्या बैठे, कहते मैं क्या हुआ, सदियां गुजर गई। मैं कहा इकबाल एक ही बनया लाहौर तो जनाब गुजरने वाले था, कितना टाइम लग गया, लोग समझे सी चंद बंदे होने, मैं क्या बच्चा लगना, गल भी चो हो रे, गल भी चो हो रे। ये मार्च है हाँ जी, लॉन्ग मार्च है ये, हाँ जी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब ला के जरा नारा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, दसो इस गुंडे नु, कहंदा आरजी लकीर है। मैं कहा गुंडिया जिस तरह पीर साहब ने फरमाया कौमे वतन से नहीं बनती, वतन थे हजरत सिद्दीक अकबर थे अबू जाल दा एक सी, हबशे तो बिलाल आके सिद्दीक अकबर दा बिरा किवें मर गया, ते अबू जाल मक्के रहंदा क्यों बेगाना होया। पाकिस्तान दा मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, बोल लो। ए मोदी भी सुने गां दा मूत्र पीणा, ए बक बक करदा हिंदू, मैनू हिंदू फोन करके कहंदा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं महमूद गजनवी को घोड़े फिर आए, मैं ये चाहता हूं। तवज्जो जी, हिंदू मैं गाल कट गया महमूद गजनवी नू, क्यों जी दाता साहब ने जितना अरसा हुजूर होया इतना ही अरसा महमूद गजनवी नू होया,
दसो यार दस एक सदी कितने हजार साल गुजरे, 974 और उसे दादा साहब दा मामूदे गजनवी नु इतना अरसा गुजरे, हिंदुआ नु अज भी दर्द होवे। दस तेरी केड़ी रिश्तेदारी सी, तू जाति उम्र मोदी नु लेके गया, तू बकवास करना फिर खत्म नबूवत ते हमला करना। अब जा यहां से कूद कर, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का खचार है, यहां हुजूर का दीन आना है, हुजूर का दीन आना है, या रसूलुल्लाह का दीन आना है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। उलमा आ गए, मशायख आ गए, ऐसा लोगन आज इन्हें पढ़ाया भी है, फिर उन्हें अमल भी करके दिखाया। जिन्हें अपनी मसीता बचाइया, अपनी खान खाना बचाइया, अपने मदरसे बचाए, बचे कुछ कुछ भी नहीं बचना। हाँ, सब कुछ तो हुजूर के लिए है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। करू तेरे नाम पे जा फिदा, सिर्फ पैसे वास्ते पड़ जाओ। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सारी जिंदगी बुखारी शरीफ पढ़ाई, आज अमल करके दसिया। ऐ बुखारियां पढ़ाई जांदियां, ना मुफ्ती साहब खड़े, पीर खड़े, सारे खड़े, जिन्हें अपने मैं ही नहीं, जे कई नु तकलीफ आंदी लबैक दा नारा लाना, उत्थे लाना है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हुजूर दे नारे ना भी दर्द हो दे, जिन्हें दर्द सी उन्हां दे दर्द मुक गए, जिन्हें दर्द सी हजरत भी उत्थे, उलमा भी मौजूद है, हलका चार जिते यार रसूलल्लाह दे नाम दे लोग कतल होए, उत्थे दर्द मुक गए। ते सारी जिंदगी हुजूर दा नाम खाने जी लबैक दा मुराद, पीर साहब दा नाम आ जाना है, मौली खादिम दा आना है, पीर सईद जवेल हसन शाह साहब दा आ जाना है, पीर महमूद साहब दा नाम है। हुजूर की बात है, हमारे हमने कभी नारे असल विच पीड़ा हो ते फकिया हो, असल नारे तो हटे मुक्के थे, दर्द और उठे और बचो, किसी नहीं नारा लाना। अब एक ही बात होगी, देखो देखो कौन आया। आप हुजूर के यहाँ लबैक के नारे पर तकलीफ होती है, जिनको तकलीफ थी वो सर झुका गए, कहने बस है मौलाना जी तू गल की थी, और मौलाना से भी तेरे नाल आओ, जिन्होंने दर्द सी उन्होंने दर्द मुक गए, तो हटे दर्द केड़े पास उठे, और सानू दर्द दसो किधरों उठे। ताजदार है खतरे नबूवत, जोर लाना ताज, जिस जिस मकदस वास्ते असि लाहौर चले हैं, पिंडी जा रहे हैं, नारा तो इंज लाओ ना पता लगे। और जायद हामिद और जितने भी उसी शयातीन पार्टी, कहने साजिश हुई, जफर उल्लाह बोल पिया, कहना साजिश हुई, मैं कहा जफर उल्लाह जाने जाने अपने ईमान दे ऐलान कर, किने साजिश की थी, और वार ले मैदान में सारे सम्मिलित बैठे रहो, कुत्ते भी खामोश कदे नहीं रहे, हुजूर दे बारे गल होवे तो तुसी कलमा पढ़ के सम्मिलित खामोश रहो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? किसी ने भूख नहीं लगी, क्यों जी किसी ने प्यास नहीं लगी? तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद। ऐसे ही मौलाना के बयानात का नतीजा है जो हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में लबैक लबैक की सदाएं गूंज रही हैं और ईमान कुफर थरथरा रहा है। वो इस बात पर परेशान है कि इस फितनों के दौर के अंदर इस कदर जवानों के अंदर पाकिस्तान कहां से आ गई, कौन सा ऐसा मेहमान है जिसने इस खस्ता हाल कौम की तामीर की और उनके दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा को फूट फूट के भर दिया। अब इनको अपनी परवाह नहीं, इनको हुजूर की नामूस की हर वक्त फिक्र रहती है। नादिन ये बाबा जी की मेहनत है, उन्हीं के इखलास की बरकत है जो आज हमें नजर आ रही है। और ऐसे ही बयानात हैं जैसा आपने सुना, बाबा जी रात की तारीकी में किस तरह जवानों को बलबला दिला रहे हैं, किस तरह उनके खून को गरमा रहे हैं, कैसे उनके लहू को इश्क नबी की गर्मी देकर गरमा रहे हैं और उनको इस बात पर उभार रहे हैं कि अपने नबी के इश्क में उठकर ऐवाने कुफर के अंदर लर्जा बपा करो, ताकि कुफर भी इस बात को चित्रा जान ले कि नबी के दीवाने आज भी जिंदा हैं। उन्हीं की बरकत से, उनकी इसी मेहनत की वजह से
ختم نبوت کا قانون بھی اپنی جگہ پر واپس آ گیا, جو ترمیم ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوئی, اور آج الحمدللہ نبی کے ناموں سے